तो यूजुअली हम देखते हैं कि फ्लक्चुएशंस जब भी मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज करती है हुकूमत स्टेट बैंक के थ्रू या सेंट्रल बैंक के थ्रू तो वहाँ कभी अक्सर चेंजेस आते हैं आपके जो बैंक रेट है जो कि स्टेट बैंक अनाउंस करता है कि हम जो मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल है इंटरेस्ट का उसकी ये वैल्यू हमने फ़िक्स की है तो बाकी के तमाम जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं अपने तमाम तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए उस बैंक रेट को मद्देनज़र रख के और अपने रिस्क फैक्टर्स को मद्देनज़र रख के डिफरेंट प्लान्स डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को डेवलप करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको इंटरेस्ट रेट फिक्स करके बताते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज के लिए हम आपको ये इंटरेस्ट रेट ऑफर करने वाले हैं सो so, अगर वी सी दैट देर इज़ एन इंक्रीज़ इन द इंटरेस्ट रेट सो दैट कैन बी

और अगर इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो जाता है तो उससे क्या होगा उससे आपकी जो मनी आपने जो आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करा हुआ है उससे उसका जो यील्ड है मे भी इंटरेस्ट रेट के बढ़ जाने से आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे कि इसमें से आप अपने पैसे निकाल के बैंक में डाल दें तो प्राइस चेंजेस जो हैं दैट इज़ उससे क्या होगा उससे जो आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की कीमत है वो ड्रॉप हो जाएगी और क्योंकि उसका जो डिमांड है वो कम हो गया और जब हम प्राइस चेंजेस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे प्राइस ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि बदल होता रहता है मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के इंटरेक्शन से उस वो फिर आपके रिटर्न को इन्फ्लुएंस करती है तो मोर लेस वी कैन दैट इस यूजुअली हम देखते हैं कि प्लस ट्वेंटी परसेंट से माइनस ट्वेंटी परसेंट तक की प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस ऑन एवरेज अक्कर हैं मार्केट में और ऐसा करने से क्या है कि आपको ये फ्लक्चुएशन की वजह से हो सकता है कि इफ़ यू कंटिन्यू इन्वेस्टिंग इन अ सर्टन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो उससे आपको हो सकता है कि नुकसान हो जाए देफ वी नीड टू अंडरस्टैंड के इंटरेस्ट रेट के उतार और चढ़ाव से आपके जो कूपन बॉन्ड आपने लिया हुआ है या कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है उस पे इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से या उसके कम होने से उसकी प्राइसेस पे फर्क आएगा असर आएगा और उन फ्लक्चुएशन को हम जो कि इंटरेस्ट रेट के फ्लक्चुएशन की वजह से कॉज हो रही हैं इस पर्टिकुलर फिनोमिन को हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर वेन यू हैव डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन अ सर्टन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपके लिए ज़रूरी है कि आप इंटरेस्ट रेट रिस्क को भी अकाउंट फॉर करें और इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है इंटरेस्ट रेट रिस्क इज़ द इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड द रिटर्न ऑफ़ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट तो इंटरेस्ट रेट के फ़्लक्चुएशन की वजह से जो कमी और बेशी आपको आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की कीमत की शक्ल में और फ़ाइनेंशियल रिटर्न की शक्ल में जो एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी वो अप्स एंड डाउन जो हैं दे आर टर्म्ड एज़ द इंटरेस्ट रेट रिस्क जितना भी आपका जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मेचोरिटी टाइम पीरियड छोटा होगा उतना इंटरेस्ट रेट रिस्क कम है लेकिन जैसे ही हम लॉन्ग टाइम पीरियड के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं जिनका मैचोरिटी का टाइम पीरियड काफ़ी लंबा होता है जैसे आपने 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है या पच्चीस साल के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है उस केस में जो आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क है दैट वुड बी वेरी हाई सो वेन एवर यू आर टू मेक द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग इन्वेस्टमेंट करनी है आपने तो आपको एक अहम चीज ना सिर्फ कि आपको इंटरेस्ट रेट कंसिडर करना है बल्कि साथ ही में आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क को भी अकाउंट फॉर करना चाहिए